Now, complex numbers. Next topic. If a small a and a small b belongs to R, then a number in the form of a plus ib is called complex number. And which is generally expressed by small z से आपका करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, z is equal to a plus ib. आप यहाँ पे small a and small y belongs to R भी लिख सकते हैं, then a appears a number in the form of x plus i, iy is called the complex number भी लिख सकते हैं, x और y में भी आप इसको लिख सकते हैं. Is that clear? Where I is equal to आपका ये वैल्यू होगी, अब तो आपको याद हो गई होगी. Is it clear? This is called the standard form. ये standard form होगी. तो here ये यहाँ जो देखेंगे A is real and B is imaginary. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स. आप सिंपल से लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो ए इज ए रियल पार्ट हो गया एंड बी इज ए इमेजिनरी पार्ट, है ना? क्लियर? फाइन. अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका यू रही एक्स एंड वाई, देखो एक्स डिनोट्स टू एब्सिशा एंड वाई ऑर्डिनेट एंड व्हेन एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट दे जस्ट केप्ट इन द सेम आपका लेफ्ट एंड राइट पैराथिसिस इज नोन एज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ऐसे यहां भी क्या होते हैं एब्सिशा और वाई, मतलब दो का मिलकर के ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, दो मिलकर के जब फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट विच आर सेपरेटेड बाई कॉमा एंड केप्ट इनसाइड द ब्रैकेट सब का नाम ये हुआ था. तो ये ओके हैमिल्टन एच ए एम ई एल टी ओ एन इन्होंने ही वाज बोर्न इन 1805 एंड डाइड इन दिस ओनली इन द एज ऑफ 60 बट यू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर हैमिल्टन. अपना इन्होंने अपना डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में. हैमिल्टन सर ने ही इसको डिफाइन किया आपका नाम देखो दस अकॉर्डिंग टू विच जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी आपका नाम देखो दस कैन बी denoted by A comma B. This is called the order pair आपका देखो ना दस दो where A comma B belongs to R. In the very beginning you have written आपका नाम देखो दस इस आपका नाम देखो दस तो आपका नाम ओके real and imaginary. इसमें इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय आप किससे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को यू डिनोटेड बाय आपका जेड और एन डिनोटेड बाय इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज यानी कि रियल पार्ट ऑफ देखो ये दिस इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड imaginary part of आपका देखो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली. ये हो गया.
Now up, this is a special case. SPECIAL है आपका, आप कहेंगे क्या लिखा हुआ है? If I am imaginary, Z is equal to, अगर आपका जीरो है देखो आपने, तो now then this is complex number is said to be purely real and if R इसका अगर ये real number of complex number अगर आपका zero हो जाता है then it is said to be purely imaginary, इसको कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 3+4 आई आपने लिख दिया, देखो दिस 3+4 आई, या आपने लिख दिया -5+i आपने लिखा, देखो दिस आई रूट, ये भी आपका देखो ना दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आपने लिख दिया 7+i -9/13, ये भी आपका देखो ना दिस इज ATC, ये जितने भी आपके नाम ATC आर, ये सारे आपके नाम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके नाम देखो दिस इज। तो दस सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दस सम और है याद रखिएगा आपका, आप एंड भी लिख सकते हैं हमारी सारी के बाद, सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी आपका याद होगा दिस इज नंबर नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हो गया, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम आगे जाएंगे। डू इट छेती छेती नाम देखो इसी में। नाउ इफ जेड इज इक्वल टू 7+9i लिखा है देखो या इसको आपका, और 7+i9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो फॉर्मेट क्या, देखो A+IB होता है, लिखना ऐसे ही चाहिए इसको, क्लियर है? इसमें आपका देखो ना रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका क्या हो जाएगा 7, ओके। नहीं आई एम आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट 9, क्लियर है? फाइन, इज इट क्लियर? ओके ना देन द सेकेंड वन आपका ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट किसको कहते हैं आपको ये होना चाहिए, आपका याद आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय, ये कैपिटल सी होना चाहिए आपका नाम पर दर्शन, इसका मतलब कैपिटल सी इज इक्वल टू, देखिए आपका A+IB, देखो A+IB देख रहे हैं कॉमा करके थोड़ा सा डिस्टेंस में, ए बी बिलोंग्स टू आर ए, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर A, B बोथ आर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू, ए का मतलब आपका क्या हो गया A and B, जब आप लिखेंगे A and B दैट इज इन ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर हो गया? सो नाउ ओके, सो नाउ वी नो यू नो आई नो जो भी आप लिखते देखो, तो वी नो दैट रियल नंबर ए कैन बी एक्सप्रेस एज A+I0 आप लिख सकते हैं इसका देखो, या और यू कैन राइट आपका A+0i भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R इज अ सबसेट ऑफ C, कैपिटल C आपका देखो ऑफ, इसको आप ऑफ सेट ऑफ C, ये हुआ आपका जो
सेटअप सी का मतलब सेटअप कॉम्प्लेक्स में, इज इट क्लियर? सुना इसका मतलब दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ अपना सी, ये हो गया आर इज अ सबसेट ऑफ अपना। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है इक्वलिटी, नाम से ही पता लग रहा होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पता लग रहा है इसका मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए। जी जी बोलिए, वी नो दैट रियल नंबर ए स्मॉल ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए ए प्लस जीरो आई या आई जीरो। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब आपका नाम दस हजार, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका नाम दस जेड इज इक्वल टू ए वन आपका प्लस आई बी दो और जेड इज इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू। वन कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, वन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या लिख रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं आप, व्हाट इज द टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी वन और आपका दूसरा क्या है जेड इज इक्वल टू आपका नाम विल बी इक्वल। ये कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे आपके ओर से, वेन, अरे सिंपल सी बात है वेन जेड वन इज इक्वल टू जेड टू हो जाएगा तभी तो आपका इक्वल होंगे, ठीक है ना। और वेन ए वन इज इक्वल टू आपका ए टू हो जाएगा, देखो आपका नाम, एंड बी वन इज इक्वल टू बी आपका देखो बी टू हो जाएगा, तो दैट इज आपका नाम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ नंबर सर इक्वल हो जाएगा आपका नाम देखो दस। इसका मतलब रियल नंबर ऑफ जेड वन इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ आपका क्या हो जाएगा जेड टू हो जाएगा, एंड इमेजिनरी आई एम इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड टू, दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हेलो देखिए, वन क्वेश्चन इज गिवन इफ जेड वन इज इक्वल टू थ्री माइनस आई वाई एंड जेड टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए नाउ सॉल्यूशन इक्वल टू आपका नाउ जेड वन इज इक्वल टू थ्री माइनस आई वाई ये आपने लिखा, देन यू हैव टू राइट जेड टू इज इक्वल टू एक्स प्लस आपका देखो टू वाई इज द सेकंड वन। नाउ व्हाट इज सेइंग, नाउ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू two complex numbers are equal upon other. So you have to put the value of z1 and z2. So 3 minus iy is equal to x plus 2y. Ab aapka kya ho jayega? Now, equating the real parts and imaginary parts now from बोथ द साइड्स थ्री। अब आप देखेंगे रियल पार्ट को अगर आप देखेंगे थ्री इज इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर आप कलेक्ट करेंगे माइनस आई वाई इज इक्वल टू टू वाई आई से आई by cross multiplication it is cancelled, so y is equal to minus 2, so therefore x is equal to 3 and y is equal to minus 2, these are the values of x and y, am I right, clear, got it, okay please do it। Dekhiye, now your question is 3x plus I into 4x minus 5y equal to 9 plus I into 8 minus ka hai? Then where x and y are real numbers, then find x and y. Okay, तो ना देखो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो z1 is equal to आपका ना देखो 3x plus i into 4x minus 5y. काय दिस और z2 is equal to अगर आप you will see that, so now you will find out i minus
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब देखो आपका z1 is equal to z2, इसका मतलब देखो ये अपन, इसका मतलब सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हो गया, क्लियर। अब आप ये मैंने ऐसे लिखा, इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सही ढंग से कि यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस परफेक्टली, दैट्स व्हाई क्लियर। तो नाउ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर, ये क्या होंगे, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, विल बी इक्वल। बस अब नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ हैंड्स, जैसे अब आप रियल पार्ट की बात करेंगे तो देखो ये 3x इक्वल टू आपको देखो नाइन, दिस इज द रियल पार्ट, लुक दिस इज द रियल पार्ट, देखो ये आपका x इज इक्वल टू 9/3 इक्वल टू, बट इट फाइन। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको i 4x माइनस 5y इज इक्वल टू i इंटू माइनस 8 हुआ, देखो आपका आई से आई, आप इसको नहीं भी लिखते नो प्रॉब्लम, आई नहीं भी लिखते, इमेजिनरी पार्ट लिख दिया तो इसका मतलब आई को यू आर गोइंग टू बी कलेक्ट फ्रॉम आई फ्रॉम द बोथ द साइड्स, सो आपका जैसे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3, आपका 4 इंटू 3 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, तो 4 12 प्लस 8 इक्वल टू 5y, आपने ओटी में भी डाल दिया आपका देखो, तो 5y इज इक्वल टू 20, आपने इसको स्वैपिंग पे डाल दिया, तो y इज इक्वल टू आपका देखो 20 ओवर 5, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, दीस आर द वैल्यूज ऑफ मॉरी। तो ये था अभी आज आपका, कल हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जाएंगे एंड लिटिल बिट इनके थ्योरम्स को भी हम देखेंगे, क्योंकि देखो जब पढ़ना है तो थोड़ा सा ढंग से करनी पड़ेगी। हाँ अगर आप कहते हैं कि नहीं सर डायरेक्ट एक्सरसाइज करा दो तो मैं उसको भी करा सकता हूँ, बताइए स्कूल में कैसे किया डायरेक्ट, नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो दिए होंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने क्या ये चीजें समझाई नहीं समझाई, अगर समझाइए तो ठीक है, नहीं समझाइए तो फिर मैं समझाता हूँ। कल हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आपका, फिर उसमें थ्योरम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जाएंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव इनवर्स, कैंसिलेशन लॉ, ये सब पढ़ाया नहीं पढ़ाए, ओके तो सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद तब जा करके आपका जो है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, ओके तो टुमारो इवनिंग वी आर अगेन मीटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम विद मी।